पानीपत के तहसील कैंप क्षेत्र में धात्री नाड़ी चिकित्सा केंद्र का शुभारंभ हो गया। इस संस्थान में डॉक्टर हाथ की नब्ज पढ़कर रोग को जान लेते हैं और आयुर्वेदिक पद्धति से दवाइयों से रोगों को समाप्त करने का दावा करते हैं। वैद्य चंद्र प्रकाश ने बताया कि मरीजों की नाड़ी सुबह खाली पेट देखने पर शरीर के अंदर के रोगों का पता चल जाता है और उन रोगों के अनुसार ही दिनचर्या में परिवर्तन तथा आयुर्वेदिक औषधियों से रोगी को रोग से मुक्त किया जाता है। हाँ सर, किस प्रकार का सर कैंप है ये? हमारे जो धात्री फार्मेसी है, आज इनकी इनॉग्रेशन है, यहाँ शुभारंभ हुआ है आपका। मैं वैद्य चंद्र प्रकाश से हूँ, यहाँ पर नियुक्त हुआ हूँ। सुबह खाली पेट मरीजों की नाड़ी देखता हूँ, उससे अंदाज़ा लगाया जाता है वात पित्त कफ दोषों का। उसके अनुसार हम अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चूज करते हैं, मरीजों को सलाह देते हैं भाई ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वात दोष में ये नहीं, जैसे आलू गोभी भिंडी अरवी ये नहीं खानी चाहिए, पित्त दोष में चाय अचार खटाई मिर्चें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, कफ दोष में ठंडा पानी फ्रिज की चीज़ें चावल भिंडी अरवी ये नहीं खानी चाहिए, आहार विहार का भी हम साथ के साथ बताते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल जैसे बीमारियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, लोग बड़े टेस्ट करवाते हैं, सारी चीज करते हैं, तो आप सिर्फ नब्ज देख के कैसे अंदाजा लगाते हैं? नब्ज देख कर, हमारे ये प्राचीन विधा है आयुर्वेद की, जिससे हम आइडिया लग जाता है, उसको वेरीफाई करने के लिए और हमें अनुभव की जरूरत होती है। जैसे एक कार्डियोलॉजिस्ट होता है, स्टेथोस्कोप से वो साउंड देख कर बता देता है भाई ये हृदय में क्या क्या विकार आए हुए हैं। इसी प्रकार हम आयुर्वेद में जो नाड़ी विज्ञान है वो भी काफ़ी हद तक हमें ये अनुभव करवा देता है कि ये डिजीज़ हो सकती है। डॉक्टर साहब, बड़े बड़े रोग होते हैं, जैसे कैंसर हो गया, या ब्लड प्रेशर हो गया, आजकल जिनसे लोग ज्यादा पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर हाई होना, लो होना, ये सारा इनका कोई इलाज है? हाँ, बिल्कुल इलाज है जी। ये क्यों होता है? सबसे पहला काम है ये सारा चिंता का। हमारा समाज इस दौर से गुजर रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चिंताग्रस्त ना हो। फिर दूसरा आता खान पान, तीसरा आता है उनका विहार। आजकल कोई भी रजाई में से उठना नहीं चाहता है, यूँ सोचता है कि मैं सारा कुछ वही मिल जाए, मेरे को काम हो जाए। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए सुबह का घूमना बहुत ज़रूरी है, उससे शुद्ध वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। यदि ऑक्सीजन मिलेगी तो ब्लड ऑक्सीजन बनेगी, ब्लड ऑक्सीजन जिस भी हिस्से में जाएगा वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए घूमना बहुत ज़रूरी है, सात्विक भोजन करना चाहिए, तली हुई चीज़ें अचार खटाई नशीले पदार्थों से बचना चाहिए, यही स्वास्थ्य का मूल स्रोत है।